ये है दोस्तों आपकी ऑल न्यू 2020 हुंडई i20 मैग्ना वेरिएंट बेस मॉडल। सब्सक्राइब कर दीजिए और प्रेस कर दीजिए बेल आइकन पाने के लिए लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस सबसे पहले और सबसे तेज। आज इसकी डिटेल में इधर बात करेंगे, सारे फीचर्स स्पेसिफिकेशंस जो भी अवेलेबल होंगे साइड्स में शॉर्ट्स में आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा भी आपको इसके और भी वेरिएंट्स चेकआउट करने हैं दोस्तों, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक्स में लगाने की कोशिश करूंगा। नहीं मिलते हैं तो आप प्ले लिस्ट ऑप्शन चेक कर लीजिएगा हुंडई का, वहाँ पे आपको उसमें बहुत सारी गाड़ियाँ इसकी देखने को मिल जाएंगी, हुंडई की लेटेस्ट लॉन्चेस देखने को मिल जाएंगे। i20 बहुत ज़्यादा समय से आप लोग परेशान थे, जल्दी से जल्दी लॉन्च करने के लिए बोल रहे थे, तो फाइनली कंपनी ने फेस्टिव सीजन में आपके लिए बहुत ही अच्छी सी ऑफरिंग मार्केट में उतार दी है। चलते हैं पास में, इसका जो क्लोज व्यू है वो आपको चेक कराते हैं, क्लोज प्रोफाइल है वो आपको दिखाते हैं। मूव करते जाते हैं ड्राइवर साइड तक, इधर अपने आप जो हेडलैम्प्स हैं वो आप देख सकते हैं, नॉर्मल हेडलैम्प्स आपको दिए गए हैं। नीचे इधर आपको आपका जो LED है और आपका जो फॉग लैम्प है बेस वेरिएंट में भी प्रोवाइड करा गया, जो बहुत ही कमेंडेबल चीज़ है। बेस वेरिएंट में भी आपको फॉग लैम्प्स मिलते हैं जो जनरली कंपनियां अवॉइड कर देती हैं, लेकिन इधर ऐसा नहीं है। बोनट आपको बहुत ही ज़्यादा हैवी सा मिलेगा, बहुत ही एरिया कवर करके रखा हुआ है, डिज़ाइन के हिसाब से बहुत ही ब्रॉड सा आपको जो पूरा बोनट है वो देखने को मिल रहा है। पैटर्न्स आपको क्रीजेस देखने को मिलते हैं पूरे बोनट पे, और आपको जो डुअल सेटअप वाइपर है वो भी आपको प्रोवाइड किया गया है। फ्रंट आपको दोस्तों अच्छे से दिख गया होगा, फ्रंट प्रोफाइल मैंने आपको अच्छे से चेक करा दिया होगा, ऐसी मेरी उम्मीद है। अब की देख लीजिए तो एक की में रिमोट और एक की आपको नॉर्मल दी गई है, बूट भी आप इससे अपना ऑपरेट कर पाओगे। एक चीज़ रह गई थी, इसकी जो ग्रिल है वो आप देख लो, तो ये हर मॉडल में इन्होंने पियानो ब्लैक फिनिश भी प्रोवाइड करी है। मुझे उम्मीद नहीं थी, मुझे लगा था कि बेस वेरिएंट में ये हटा देंगे इसको, या तो इसको डस्की फिनिश कर देंगे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। हुंडई की ब्रांडिंग आपको ब्रॉड सी पूरी क्रोम पे देखने को मिल रही है, और अपना जो स्किड प्लेट एरिया है वो भी आप देख लीजिए, इधर भी पूरा आपको पियानो ब्लैक फिनिश देखने को मिलता है। अब दोस्तों फ्रंट पूरा कवर हो गया, फ्रंट पूरा मैंने आपको चेकआउट करा दिया है। अब इसका जो साइड प्रोफाइल है वो आपको दिखा देते हैं, वन फ्रेम व्यू दे देते हैं पूरे इसके साइड प्रोफाइल का, देख लीजिए पूरा आराम से अच्छे से पूरा व्यू ले लीजिए। जो भी इसकी लेंथ होगी, विड्थ होगी, हाइट होगी, सब कुछ आपको साइड्स में शॉर्ट्स में देखने को मिलेगा, मतलब कि जो भी आपके एज अ होल फीचर स्पेक्स होंगे सारे आपको देखने को मिल जाएंगे। व्हील आपको इसमें नॉर्मल मिलते हैं, ब्रिजस्टोन के आपको टायर्स प्रोवाइड करे गए, कवरिंग आपको मिलती है सिल्वर फिनिश पे, इंडिकेटर आपको साइड बॉडी में इनकल्केटेड मिलता है, ये आप देख सकते हो, और ORVMs आपके आपको पूरे ये एरो फॉर्म है, जो आप इसके सारे मॉडल्स में देखो उसमें कोई चेंज होता नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहा हूँ। डोर लाइन में कोई आपको क्रोम बीडिंग वगैरह नहीं मिलती, क्रोम इंसर्ट वगैरह नहीं मिलता है, और ऊपर आप देखते हैं तो कोई भी आपको इधर बोल सकते हैं सनरूफ वगैरह नहीं मिलेगी, उसके लिए आपको टॉप एंड लेना पड़ेगा, पूरी प्लेन रूफ मिलती है, और इधर आपका एंटेना भी आपको शार्क फिन पे नहीं दिया गया है। डोर हैंडल्स आपको दिए गए हैं बॉडी कलर पे, ये आपको क्रोम पे नहीं मिलता, उसके लिए आपको टॉप एंड लेना पड़ेगा। ये सब चीज़ें जो जो मुझे याद है मैं आपसे शेयर करते जा रहा हूँ, बाकी आपको जो फीचर्स हैं वो आपको साइड्स में शॉर्ट्स में दिख रहे होंगे। अब दोस्तों पूरा जिसका साइड प्रोफाइल है वो कवर हो गया, साइड प्रीव्यू मैंने दे दिया है, अब इसकी जो बैक प्रोफाइल है वो दिखाने से पहले इसका जो अदर साइड है वो भी मैं आपको चेक करा देता हूँ, ये भी आप देख लीजिए। सबसे बड़ा इसमें अच्छा फीचर क्या है मुझे लगा, आपका जो फ्यूल इंटेक एरिया है वो आप देखते, बस आपको ऐसे प्रेस करना है। गाड़ी को मैं अनलॉक कर लेता हूँ पहले, उसके बाद ट्राई करते हैं, तो गाड़ी को अनलॉक कर लेते हैं और इधर अब इसका इसको प्रेस करते हैं, और ये सिंपल आपकी पूरी जो ओपनिंग है वो आपको मिलती है, बहुत ही अलग सी चीज़, और बंद करना है, सिंपल प्रेस कर दो और ये बंद हो जाएगा। अब इसको गाड़ी को मैं आपको लॉक करके भी दिखा देता हूँ, तो ये भी आपका क्लोज हो जाने वाला है। अब मैंने गाड़ी लॉक कर दी है, अब इसको फिर से चेक करते हैं, तो ये आपका ऑपरेट नहीं करेगा। बहुत ही अच्छी सी फंक्शनिंग दी गई, कुछ अलग सा आपको देखने को मिल रहा है इस गाड़ी में, नई i20 में। अब इसका जो बैक प्रोफाइल है एज अ होल मैं देने की कोशिश करता हूँ, पूरा व्यू आपको देने की कोशिश करता हूँ, जैसी स्पेस वैसे काम करने का मैं ट्राई कर रहा हूँ। इधर आपको हाई स्टॉप लैम्प दिया गया है, डिफॉगर रियर वाइपर आपको नहीं मिलता है, हुंडई की ब्रांडिंग आपको क्रोम पे दी गई है, रिवर्स पार्किंग कैमरा उम्मीद मत रखिएगा, पार्किंग सेंसर ज़रूर दिए गए हैं। इसके अलावा i20 की ब्रांडिंग आपको मिलती है और मैग्ना की ब्रांडिंग आपको नहीं मिलती है, और इधर आपका जो प्लेटिंग है क्रोम की, जो एक बीडिंग थी क्रोम की, वो भी आपकी हटा दी गई है, और अपने जो टेल लैम्प्स हैं वो आप चेकआउट कर सकते हो। इधर भी आपको i20 की जो ब्रांडिंग है वो आपको देखने को मिलती है। अब अपर पार्ट में इसकी चेक कर लेते हैं, तो इधर भी पूरा आपको जो पियानो फिनिश है वो प्रोवाइड करा गया है। इसको मैं फिर से ओपन कर लेता हूँ, और जो इसका टेल गेट है वो ओपन कर लेते हैं, और अंदर की जो स्पेसेस हैं वो आपको दिखा देते हैं। तो इधर आप अपनी स्पेसेस देख लो और अपने जो थॉट्स हैं फटाफट से बता दो। इधर आपको बूट लैंप नहीं मिलता है, फिर वही बात, इसके लिए आपको टॉप एंड्स में जाना पड़ेगा। मैंने अपना काम कर दिया, मैंने आपको जो स्पेसेस हैं वो चेकआउट करा दी हैं, अब इसको बंद कर देते हैं और बढ़ते हैं आगे। इधर आप अपना जो अब इंटीरियर है वो आप चेकआउट करोगे। सबसे पहले डैशबोर्ड, बाहर से पूरा व्यू जैसे मैं हमेशा आपको देता हूँ,
वही आपको ब्लैक फिनिश इधर देखने को मिलेगी, पूरा ब्लैक आउट आपको डैशबोर्ड देखने को मिलेगा। स्टीयरिंग पे जरूर आपको सिल्वर इंसर्ट दिए गए हैं। जो भी फर्स्ट इंप्रेशन आ रहे हो, फर्स्ट थॉट्स आ रहे हो बता देना। अपना जो डोर है वो आप चेक कर लो, डोर पॉकेट्स हैं, आपका विंडो लॉक, डोर लॉक, अनलॉक, और आपको जो पावर विंडोज़ हैं आपको वहाँ एडजस्टमेंट है, बेस वेरिएंट में भी प्रोवाइड करा गया है। क्या बात है, अच्छी बात है ये। और सिंगल फिनिश आप पूरी इधर चेकआउट कर सकते हो। सीट केवल आपको बैक एडजस्ट कर पाओगे, हाइट एडजस्ट आपको नहीं दिया गया है। और आपके जो हेडरेस्ट हैं फ्रंट वाले, ये आपको एडजस्टेबल देखने को मिल रहे हैं। हाँ दोस्तों, बाहर से ज़रूरत की जितनी बात थी वो हो गई है, मैंने पूरी गाड़ी लगभग आपको अच्छे से दिखा दी है। अभी तक आपको अगर गाड़ी अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड से ज़रूर इसे शेयर करिएगा, जो लोग भी शायद ये गाड़ी लेना चाहते हैं। आपको अगर हम लोग का एफर्ट अच्छा लगा है तो लाइक भी कर दीजिएगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ जी, शेयर भी कर दीजिएगा, और इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर ज़रूर फॉलो करिएगा। ID सारी आपको मिल जाएंगी नीचे डिस्क्रिप्शन में। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर, अंदर बैठकर डिटेल में बात करेंगे इसके इंटीरियर्स के बारे में। लेट्स गो इनसाइड द कार। अब दोस्तों मैं गाड़ी के अंदर आ गया हूँ, अंदर से आपसे बात कर रहा हूँ। ये आप देख रहे हो 2020 i20 का बेस वेरिएंट, मैग्ना वेरिएंट। अपना जो डैशबोर्ड है पूरा फ्रंटल व्यू आप ले सकते हो। अभी मैंने बाहर से पूरी गाड़ी आपको अच्छे से दिखा दी है, जो भी स्पेक्स फीचर्स होंगे वो सारे आपको पता चल गए होंगे। साइड्स में, शॉर्ट्स में अगर आपने ध्यान दिया है, फॉरवर्ड नहीं किया है, तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। अपर पार्ट आप चेक कर लो इधर, तो बहुत ही ब्रॉड सा डैशबोर्ड इधर निकाला गया है। अपर पार्ट आप देखते हैं तो जैसे चाहना वैसे यूज़ कर लेना, वो आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है। इधर आप देख रहे हैं अपना इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, तो आपको ये टॉप एंड से बहुत ही ज़्यादा चेंज्ड मिलेगा। उसमें आपको पूरा ऑल डिजिटल मिलता है, तो आपको थोड़े पैसे खर्च करने पड़ेंगे ज़्यादा अगर आपको ये सब चीज़ें चेंज करनी है, आपको ये फीचर्स चेंज करने हैं। नहीं तो आपको पूरा ये एनालॉग पूरा जो क्लस्टर है वो आपको मिलता है। इधर आपका जो RPM मीटर है, DIS, आपका जो स्पीडोमीटर है वो आप देख सकते हो। पूरा आपको इसमें डिजिटल, केवल आपको जो DIS है वो आपको प्रोवाइड करा गया, बाकी जो दो और इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं, आपका RPM और आपकी जो स्पीड, ये आपको एनालॉग पे दिया गया है। इसमें आप अपनी होस्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हो। टॉगल्स की बात कर लेते हैं, इधर आपका वाइपर का टॉगल है, इधर आपका इंडिकेटर और लाइट का टॉगल है। इसकी जो स्टीयरिंग है उस पर आ जाते हैं, तो डुअल कॉम्बिनेशन आपको स्टीयरिंग देखने को मिलती है। इधर आपके मीडिया कंट्रोल्स हैं, वो आप चेकआउट कर सकते हो। म्यूट है, मोड है, ट्रैक वगैरह चेंज करना, वॉल्यूम, कॉलिंग कंट्रोल्स, इधर आपके रीसेट और ट्रिप, और इधर आपका जो की इंसर्ट पॉइंट है वो आप देख सकते हैं। एक की रिमोट और एक नॉर्मल, वो आपको मैंने बाहर से दिखा दिया था। पूरा व्यू आपको मिल गया स्टीयरिंग का। अब चलते हैं आगे की तरफ। इधर अपने जो एसी वेंट्स हैं वो आप देख सकते हैं ड्राइवर साइड। नीचे आपका हेडलैम्प एडजस्टर और जो भी फीचर्स जहां से रिलेट करते होंगे वो आपको उधर ही देखने को मिल गए होंगे। अब आ जाते हैं सेंटर में, जो शायद किसी भी गाड़ी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। बेस वेरिएंट है, लेकिन यहाँ पे सिस्टम प्रोवाइड करा गया, जो एक अच्छी चीज़ है। यहाँ पे आपको नॉर्मल सिस्टम मिलता है, लेकिन हमेशा की तरह जैसे हुंडई के नॉर्मल सिस्टम्स देखे हैं, इधर भी आपको डिस्प्ले बहुत ही ब्रॉड सा मिलता है, तो इन्फॉर्मेशन एक्सेस करना बहुत ईजी है। इधर आपका सीक है, ट्रैक है, मेन्यू है, ऑडियो है, फ़ोन है, फेवरेट है। आप केवल जो बटन का साइज है और जो क्वालिटी है वो आप फील करो। अब आप वीडियो पे फील ही कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे फील कर पा रहा हूँ। बहुत अच्छी सी क्वालिटी दी गई है, बहुत अच्छा लग रहा है इसको टच कर कर। इसके अलावा ये भी प्रोटेक्टिव फिल्म लगी हुई है पूरी, ये पियानो फिनिश है, नई गाड़ी है, लॉन्च डे है, तो इसलिए मैं इसको हटाना नहीं चाहता हूँ। प्रोटेक्टिव फिल्म लगाई गई है पूरी, इसमें कि इसमें स्क्रैचेस वगैरह ना लगें, या थंब इंप्रेशंस वगैरह ना आए, या फिंगर इंप्रेशंस वगैरह ना आए। काफ़ी लोग आएंगे, कस्टमर्स आएंगे, गाड़ी देखेंगे, तो होप्स आप समझते होंगे इस बात को। बाकी जो भी इसके और फीचर्स होंगे वो आपको साइड्स में, शॉर्ट्स में देखने को मिल जाएंगे। इसका अगर आपको साउंड सुनना है तो आपको नीचे लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, चेक कर लीजिएगा मीडिया सिस्टम साउंड चेक के नाम से। थोड़ा मैं पीछे आ जाता हूँ, एक अच्छा सा व्यू आपको और मिल जाएगा, फिर एक क्लोज व्यू भी दे देता हूँ। नीचे आप आते हैं तो आपका जो हैजार्ड लाइट का बटन है वो आप देख सकते हो। इधर आपके मैनुअल AC है वो आप देख रहे हैं। ऑटोमेटिक AC के लिए टॉप एंड्स में आपको जाना पड़ेगा, पूरे आपको वही नॉर्मल से नॉब्स दिए गए हैं। इधर आपकी USB है, 12 वोल्ट का सॉकेट आपको प्रोवाइड करा गया है, और नीचे पूरी आपको कन्वीनियंस स्पेसेस मिलती हैं। गेयरबॉक्स आपका है 5-speed गेयरबॉक्स मॉडल विद रिवर्स, पूरा ये आपको मिलता है ब्लैक एंड फिनिश पे। और इधर आपके होंगे कन्वीनियंस स्पेसेस, और हैंड ब्रेक आपको दिया गया है पियानो बटन के साथ, ये आपको फिक्स दिया गया है इस वाले मॉडल में। अंदर की जो स्पेसेस हैं वो आप देख लो, ठीक ठाक स्पेसेस निकाली गई हैं। इधर आ जाते हैं को ड्राइवर साइड, तो इधर आपको क्या बात है वाह, इधर आपको कूल्ड ग्लव बॉक्स मिलता है बेस वेरिएंट में, मज़ा आ गया ये चीज़ देख कर। आपका जो वारंटी है वो आपको प्रोवाइड करा गया है को ड्राइवर साइड, ड्राइवर साइड आपको वारंटी नहीं मिलता है। सेपरेटली स्विचेबल आपके केबिन लैंप्स हैं, आपका जो सनग्लास होल्डर है ये आप देख सकते हो। IRVM चेक कर लो, इसमें भी वही बात, आपको अगर अपना बोल सकते हैं ब्लूलिंग कनेक्टेड चाहिए तो टॉप एंड्स में चले जाओ। अब दोस्तों मैंने यहाँ पे आपको जितना इसका डैशबोर्ड था वो पूरा चेक करा दिया है। ये आप इसका बेस वेरिएंट देख रहे थे, मैग्ना वेरिएंट देख रहे थे, कैसा लगा है, अपने व्यूज़ हैं वो भी आप ज़रूर शेयर कर देना। अपनी तरफ से मैं कोशिश करता हूँ कि पूरी गाड़ी आपको अच्छे से दिख जाए, सारे फीचर्स स्पेक्स पता चल जाएँ। सिस्टम के पहले तो जो फीचर्स होंगे आपको साइड्स में, शॉर्ट्स में मिल गए होंगे। इसके अलावा जो उसकी साउंड है उसका लिंक नीचे लगा हुआ है, उम्मीद है कि आपने अभी तक उसको देख लिया होगा।
अब चलेंगे दोस्तों गाड़ी की सेकंड रो ऑफ सीट में और वहां बैठकर देखेंगे कि पीछे बैठने में कैसा लगता है, कस्टमर सेंट्रिक क्या क्या फीचर्स दिए गए हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे लेट्स गो टू द बैक ऑफ द कार नाउ। ये दोस्तों आप अपनी सेकंड रो ऑफ सीट्स देख रहे हैं मैग्ना वेरिएंट की। आपको इधर आपके हेडरेस्ट इनबिल्ट दिए गए हैं आपकी सीट्स में, कोई भी आपको आर्मरेस्ट प्रोवाइड नहीं करा गया, सिंपल प्लेन बैक मिलता है। इधर अपना जो डोर है वो आप चेक कर लो तो डोर पॉकेट्स हैं, पावर विंडो कंट्रोल है और वही सिंगल कॉम्बिनेशन पूरी आपको देखने को मिलेगी। बाहर से पूरा व्यू आप ले सकते हैं इसका। अब चलेंगे अंदर, यही दो चीज़ें होती जो आपको चेक करानी होती हैं। लेट्स गो इनसाइड द कार। मेरी हाइट 6 feet है, जो लोग चांस जुड़े उनको ये बात पता होगी। मैं इधर आराम से बैठ गया हूँ, बहुत अच्छी स्पेस इधर अवेलेबल है। अपना जो थाई सपोर्ट है वो आप चेक कर सकते हो और इधर आप देख लीजिए, आपको आगे का स्पेस भी मैं दिखाऊंगा, ऐसा नहीं कि नहीं चेक कराऊंगा। और मैं बहुत ही अच्छे से बैठा हूँ, बहुत ही कन्वीनियंस फील हो रहा है। आपको सेंटर में भी केबिन लैंप दिया गया, तीनों डोर्स पे आपके सेफ्टी हैंडल्स हो गए। इसके बाद इधर आप देखते हो तो आपका जो बोल सकते हैं कि USB चार्जर है वो आपको प्रोवाइड करा गया रियर पैसेंजर्स के लिए। इधर आपके AC वेंट्स हैं वो भी आपको दिए गए। बेस वेरिएंट में भी ये सब फीचर्स मिलते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है। और इंडिया में गर्मी बहुत पड़ती है तो ये फीचर ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और कन्वीनियंस स्पेसेस इधर आपको दी गई हैं। अब आ जाते हैं सेंटर में, बेसिक चीज़ें सारी कवर हो गई हैं। इधर आप अपना जो डैशबोर्ड है वो आप देख सकते हो, वन फ्रेम व्यू ले सकते हो। हमेशा जब मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ आपको ज़रूर चेक कराता हूँ हर गाड़ी का। अब इसमें आपको टच सिस्टम नहीं मिलेगा, आपको उसके लिए टॉप एंड्स में जाना पड़ेगा। लेकिन कस्टमर टू कस्टमर डिपेंड करता है किसको क्या फीचर्स चाहिए, किसको क्या फीचर्स नहीं चाहिए, तो वो आप डिसाइड कर सकते हो अपने बजट के हिसाब से। लेकिन इसमें भी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेसिक जो आपकी फंक्शनैलिटी है वो तो हो ही जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नीचे आप देख सकते हैं आपको जो USB और जो 12 वोल्ट का सॉकेट है, मैंने शायद चेक करा दिया था, नहीं भी चेक कराया तो मैं फिर आपको मैंने बता दिया है, तो वो तो दिया ही गया। अपने आप जो म्यूजिक वो आप एक्सेस कर सकते हो आराम से। अब मैं दोस्तों वीडियो खत्म करता हूँ, प्ले स्टोर से जरूर विजिट करिएगा, बहुत सारी आपको वहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी लेटेस्ट गाड़ियों के बारे में, लेटेस्ट लॉन्चेस आपको सारे देखने को मिल जाएंगे, ब्रांड वाइज प्लेलिस्ट बनी हुई है। इसके अलावा इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर जरूर फॉलो करिएगा, ऑटोमोबाइल वर्ल्ड से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, लिंक नीचे मिलेंगे डिस्क्रिप्शन में। सिस्टम के लिए मैंने आपको बता दिया कि आपको उसकी साउंड सुननी है तो इसका लिंक मिल जाएगा ये भी डिस्क्रिप्शन में, तो चेक कर लीजिएगा मीडिया सिस्टम साउंड चेक के नाम से। अब मैं दोस्तों वीडियो खत्म करता हूँ, अपना सपोर्ट ऐसे बना के रखिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।